वेम डेयरी सॉल्यूशन छत्तीसगढ़ डेयरी कॉन्फ्रेंस 2018 आयोजित कराया गया। ये होटल किंग्सवे तेलीबांदा रायपुर में रखा गया। इस एग्जीबिशन में भारत के अलग अलग जगहों से डेयरी विशेषज्ञ आए हुए थे। इस एग्जीबिशन का मेन मकसद था डेयरी फार्म को अच्छे से देखभाल कर उससे कैसे मुनाफा कमाया जाए। मैं एस प्रसाद, बर्लीवेट कंपनी जो हमारी पंजाब बेस्ड कंपनी है और हम लोग कैटल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है आज के दिन में, जानवरों में जो है दाने गोबर के साथ निकलते हैं, जो डाइजेशन पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, उस पार्ट को ओवरऑल करने के लिए हमारे प्रोडक्ट पीएचमिन बायो, जिसको खिलाने से क्या होता है, जानवर का जो हाजमा पूरा ठीक हो जाता है। अगर हाजमा ठीक है तो सारा चीज़ अच्छा होता है, हाजमा गड़बड़ है तो सब चीज़ गड़बड़ है, कुछ भी खिलाएं कोई फ़ायदा नहीं है। उस तरह से हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपका जानवर को स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइट है, टॉक्सिन बाइंडर है जो फफूंदी नाशक बोलते हैं, मिनरल मिक्सर्स हैं जहाँ जानवर रिपीट होते हैं उनके लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह करीब हमारे पास 40 प्रोडक्ट्स हैं। ट्रेस मिल्स हैं, ट्रेस मिल्स विद विटामिन हैं, पाउडर फॉर्म में कैल्शियम है। और यहाँ जब जिन लोगों ने भी छत्तीसगढ़ में हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, रिपीटेड डिमांड ही बताता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। थैंक यू। हेलो, मैं विनेश श्रीवास्तव, ग्लोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि यहाँ पे रायपुर में हम लोग अभी कुछ अपना यहाँ पे फार्मर्स अवेयरनेस का प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं। ये हम लोग हैदराबाद की कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, ये हैदराबाद का है, और कुछ डेयरी सॉल्यूशन हैं हमारे पास जो हमने अभी सबको शेयर किया हुआ है। और हमारे प्रोडक्ट जो कि कॉस्ट कटिंग की जो मेन जो एजेंडा है आज का, कि फार्मर्स के लिए मतलब कैसे ये प्रॉफिट में आए, कैसे उनका कॉस्ट कम हो, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने सबको बताए और उनको कुछ अच्छे भी लगे। Myself Mahesh Bhaskarwar, I am a business manager from Globian India Private Limited. Globian is a Suguna group of companies. Today we have attended this VENP dairy seminar. This specially seminar में dairy management और cost management के ऊपर बहुत बढ़िया topics discuss किया गया है। ये dairy farmer के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, और specially आज जो important topic था genetics के ऊपर, उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। स्पेशली अभी कमिंग डेयरी में ग्रोथ आने के लिए जेनेटिक्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर ने, पंजाब से जो डॉक्टर आए हैं, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने। सो आज बहुत सारे बाकी कंपनीज भी पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने भी उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर डेयरी फार्म में कैसा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया जाएगा उसके ऊपर उन्होंने भी अवेयरनेस दिया गया है। तो हमारे भी कंपनीज़ के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है कम कॉस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना और डिसीजेस को कम करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स को भी बारे में गाइड किया गया है, तो ये फार्मर को बहुत सारे लॉसेस को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। मेरा नाम आशीष मंत्री है, मैं अभय न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट लेके आए हैं, एक श्री हरि है जो पार्शियल एक्सट्रैक्टेड कॉटन सीड बिल है, और दूसरा हायर डाइजेस्टेबल रेप सीड बिल है जिसमें हायर बाईपास प्रोटीन वैल्यू है। ये दोनों प्रोडक्ट फार्मर की कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद करेंगे और क्वालिटी ऑफ द फीड इम्प्रूव करेंगे। इसकी वजह से फार्मर को हायर मिल्क यील्ड और बेटर मिल्क क्वालिटी मिलेगा, और फार्मर की जो मेडिकल कॉस्ट है पशु के ऊपर वो घट जाएगी। तो ये नई टेक्नोलॉजी पेटेंटेड प्रोसेस है, जिसकी कंपनी के पेटेंटेड प्रोसेस है, जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं दो प्लांट के ऊपर। इसमें भारत से विदेश से भी इन्वेस्टमेंट आई है और भारत सरकार का भी 10 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। मेरा नाम चंद्रप्रकाश गुप्ता है, मैं डिलेवल कंपनी से हूँ। हम लोग डिलेवल कंपनी से हैं, ये 130 साल से मिल्किंग मशीन का काम चल रहा है। इसमें ऑटोमेटिक पार्लर भी आते हैं और ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो जाती है और जानवर को जैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और जानवर में जो मेस्टेटिस वगैरह थनेली रोग होने की प्रॉब्लम आती है, ये नाखून द्वारा जो हाथ से अपन लोग निकालते हैं तो वो प्रॉब्लम है, इससे नहीं आती है, और एकदम इसका पल्सेशन नॉर्मल रहता है, टेम्परेचर सही रहता है। नमस्कार, मैं सचिन पाटिल डी लेवल से हूँ, गुजरात से हूँ मैं। और जो है हम लोग 130 साल से जो है डेयरी फार्म जो का जो है वो हम लोग डेयरी फार्मिंग में काम करते हैं। जो 10 20 50 100 एनिमल की जो भी फार्म्स है उसमें जो जो सामान लगता है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में, वो सामान इंक्लूडिंग प्लानिंग डिजाइनिंग डिटेलिंग
वो सारा सपोर्ट हम लोग करते हैं ताकि जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं उनका दूध का गुणवत्ता और दूध की क्वांटिटी दोनों ही बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज का ये कॉन्फ्रेंस का जो है छत्तीसगढ़ डेयरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी इसी पर्पज से किया गया है। थैंक यू। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।